कृषि बागवानी और पशुपालन के साथ साथ मधुमक्खी पालन जैसे अन्य व्यवसायों को जोड़कर अगर घर में ही लाखों की आमदनी हो जाए तो फिर घर से बाहर नौकरी के लिए जगह जगह भटकने की ज़रूरत ही क्या है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले आम लोगों की इस परिकल्पना को साकार कर दिखाया है नदौन उपमंडल के गांव ग्वाल पत्थर के 85 वर्षीय गोपाल चंद कपूर, उनके पुत्र राजेंद्र कुमार, बहू जयवंती और पौत्र शिव कुमार ने। जी हाँ, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों के ये लोग मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर ना केवल घर में ही अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी स्वरोजगार की राह अपनाने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित कर रहे हैं। लगभग 85 वर्ष की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त और पूरी तरह से मधुमक्खी पालन के लिए समर्पित गोपाल चंद कपूर आज के दौर में स्वरोजगार की संभावनाएं तलाश रहे ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। लगभग 3 दशक पूर्व वर्ष 1992 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से अनुदान एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महज 4-5 बॉक्सों के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करने वाले गोपाल चंद कपूर और उनका परिवार अब हर साल लाखों रुपये का शहद बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रहा है। यही नहीं, गोपाल चंद कपूर और उनके बेटे राजेंद्र कुमार व पौत्र शिव कुमार ग्रामोद्योग समिति के नाम से मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र चलाकर अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं तथा उन्हें इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये समिति प्रशिक्षणार्थियों को बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करती है और साथ में मधुमक्खी पालने के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाती है। गोपाल चंद और राजेंद्र कुमार का कहना है कि शहद एक ऐसा उत्पाद है जिसकी बाजार में हर समय काफ़ी मांग रहती है और इसके दाम भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये कभी ख़राब भी नहीं होता है और इसके स्टोरेज एवं परिवहन के लिए कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती है। किसानों बागवानों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और इसमें फायदा ही फायदा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है तथा किसानों बागवानों को इसके लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश सरकार ने उद्यान विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत 80% तक अनुदान का प्रावधान भी किया है। गोपाल चंद और राजेंद्र कुमार का कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन है बेरोजगार, अगर वो मधुमक्खी पालन का योग अपनाएं तो सबसे बेहतर है। और बहुत सारे लड़के मेरे पास ही ट्रेनिंग करके गए जिन्होंने उद्योग चलाया और इस वक्त कुछ खुशहाल है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जितने भी बच्चे बेरोजगार हैं, शायद जो है ये चाहे जितना भी इकट्ठा हो जाए, इसकी मार्केट कंपनियों वाले खरीद रहे हैं, हजार हजार टीन एक एक कंपनी खरीदती है, तो शायद कि कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं बिका, तो ख़राब हो गया तो ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है ये। जिसको चाहे 4 साल पड़ा रहे उतनी इसकी कीमत बढ़ जाएगी, जितना शायद पुराना होगा उतने दवाइयों के काम आएगा और इसका मूल्य बढ़ेगा। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कि एक आजकल चला है वो तो मशरूम, तो अगर नहीं ताज़ा बिकेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो मशरूम तो मुझे पसंद नहीं आई, मैंने वो भी ट्रेनिंग की थी लेकिन उसको बेचना बड़ा ज़रूरी था, चाहे कम पैसों में बेचो। लेकिन शहद जो है या मक्खी है, इसको कोई ये नहीं होता। अब हमारे हिमाचल में सर्दियों में फूल ख़त्म हो जाते हैं तो मक्खी कमज़ोर पड़ जाती है या कम हो जाती है, उस वक्त हमें चीनी को फिल्टर देना पड़ता है, चीनी का घोल और सल्फर वगैरह देना पड़ती है, तो उसको मक्खी को जिंदा रखना। जब वो फरवरी महीना आएगा तो मक्खी दिन रात बढ़ती रहती है और सीज़न में आ करके जब यहाँ गर्मियों के दिन आते हैं तो रानी जो है वो 2000 से 2500 अंडा 24 घंटे में देती है रानी। उस वक्त इतनी मक्खी बढ़ती है कि एक डब्बे के आप 5 चूहे बना सकते हैं, लेकिन उसमें बनाने में इतना है कि आपको शहद कम मिलेगा। अगर शहद लेना है तो सुपर लगाओ, एक लगाओ दूसरा लगाओ तो आपको शहद मिलेगा। क्योंकि जैसे हम भैंस को रखते थे प्राचीन काल के, चूहा बधी था दूध है बधी, दूध है घटी था चूहा बधी, यही हिसाब मक्खी का है। जितना परिवार ज़्यादा होगा मक्खी का, शायद ज़्यादा मिलेगा।
अगर परिवार थोड़ा है मक्खी का तो शायद कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये नहीं है पे मिलेगा नहीं, मिलेगा जरूर। तो कांग्रेस ने सुखु सरकार ने भी यही मान लिया 80% वही दे रही है, तो इसमें किसी को कोई घाटा नहीं होता है। अगर कोई आदमी अनाड़ी है किसी वजह से फेल भी हो गया तब भी उसके पास डब्बे बच जाते हैं, सामान बच जाता है। बाकी मक्खी एक ऐसी चीज़ है जब जिसको तजर्बा आ जाएगा वो 5-10 डब्बों से ही 15-20 बना लेगा सीज़न आने के ऊपर, जब सीज़न आएगा तो 15-20 डब्बे बना लेगा या ज़्यादा भी बना लेगा, लेकिन एक ही है कि उसको फिर शायद कम मिलेगा। अगर उसने मक्खी नहीं बधानी है तो शायद अच्छा मिल जाता है उसको। एक डब्बा जो है एक टाइम है यहाँ पर कम से कम 3-4 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-15 किलो तक भी एक डब्बा शायद दे देता है एक ही सीज़न में, एक बार में। और यहाँ हिमाचल के अंदर जो शायद तैयार होता है ये आल बड़ में मशहूर है, क्योंकि ये है मल्टी नाना प्रकार के जंगली फूलों से मक्खी द्वारा शायद कतर किया गया। इसके अलावा मक्खी जो है ये पोलंग भी लाती है, तो पोलंग भी मैं यहाँ तो खैर इतना नहीं मिलता, लेकिन जहाँ जहाँ मिलता है मैं वहाँ से मंगवाता हूँ। ये पोलंग जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इसको खाने से आदमी को कई बीमारियों से लाभ मिलता है। अगर किसी को लाभ ना भी मिले तो इसको खाने से कोई हानि नहीं है। और मेरे से बम्बे सुधा मतलब हर शहर में पोलिंग मंगवाते हैं बाई पोस्ट, तो उनसे पता किया, उन्होंने बोला कि पोलिंग एक ऐसी चीज़ है इसको खाने से, लगातार खाने से 5-5 साल के आदमी जो चारपाई पर लेटे हुए थे घुटनों के दर्द के या उरा परा, उनको हमने उठ के बैठा दिया। तो ये पुणे में एक इंजीनियर है जो अपना प्रैक्टिकल करता रहता है, तो वो काफ़ी मेरे से शायद मंगवाता है, कहने पोलिंग भी मंगवाता है और लोगों को फ्री में भी बांटता है, कीमतन भी देता है। तो कि आपको अगर ट्रेनिंग नहीं है तो मेरे से ट्रेनिंग भी ले लो, मैं सर्टिफिकेट भी देता हूँ, क्योंकि मैं खादी कमीशन से रजिस्टर हूँ और खादी कमीशन से ही मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली, मैंने भी ली, लड़के ने भी ली। उस वक्त बहू नई नई ही नहीं, तो मैंने बहू को भी दिलवा दी नहीं थी, लेकिन बहू नहीं थी घर में, रोटी पानी और पशु रखे थे तो हम अकेले थे, इस वास्ते बहू को नहीं दे पाया, नहीं तो बहू भी उस टाइम आई थी, नई नई आई थी, तो इसको भी मैंने ट्रेनिंग देनी। बाकी इस वक्त भी मेरा परिवार पूरा जो इतना मैंने डब्बा रखा है और चलाया है, परिवार का पूरा सहयोग है और सब काम जानते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो खास देख रेख है वो तो मैं ही करता हूँ, लेकिन बाकी काम जब पड़ते हैं तो सारा परिवार लग करके करता है। शहद निकालने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं, अकेला आदमी शहद नहीं निकाल पाता, नहीं तो वो 3-4 परिवार के लगते हैं बाहर से कौन सा लाना, तो परिवार सारा सहयोग करता है। इंद्र कुमार पुत्र गोपाल चंद गाँव बागवाल डागरना ग्वाल पत्र तहसील नदौन जिला हमीरपुर। हमने 1997 से खाद्य कमीशन से ट्रेनिंग ली थी मधुमक्खी की 1 महीने की। शुरू में हमारे को 5% खाद्य बोर्ड ने सब्सिडी पर दिए थे और उनसे हमने पहले सीजन में 8-9 पत्र तैयार की, वो 80 रुपये से आपके बिक गए। फिर हमने धीरे धीरे इस काम को बढ़ावा दिया और हमने सोचा सरकारी नौकरी क्या करनी, इसमें करते हैं काम तो थोड़ा घर का काम भी चल जाएगा, नौकरी तो मिली नहीं, फिर हमने धीरे धीरे इस काम को बढ़ा दिया। अब हमारा काम जो है धीरे धीरे 4-5 लाख का सीजन का हो जाता है। 70-80 वक्त से हमारे पास हर टाइम होते हैं, हर सामान जो है मधुमक्खी का जितना भी सामान है हमारे पास हर वक्त उपलब्ध है। कहें हमारे पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ट्रेनिंग भी दे देते हैं हमारे से, 10-50 वक्त से ले जाए घर में और उसको कोई प्रॉब्लम पड़ जाए तो हम उसको घर में जा कर के बिना पैसे से उसका आने जाने का खर्चा दे दे, दूर का हो तो खर्चा ले लेते हैं हम खर्चा आने जाने का, या नज़दीक का हो तो उसका कोई खर्चा पानी नहीं लेते हैं। हम जितना भी आपने बंदी की प्रत्यार की है हमने बहुत कोशिश की, अच्छा माल देना उनको, अच्छा उनका इंस्पॉन्स मिले, शहद वगैरह ढूंढते हैं, जो शहद होता है या मक्खी फालतू होती है हम खरीद भी लेते हैं उससे।
तो ऐसे है, ये काम तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसमें मार्केट वैल्यू है, हर शहद की हर दवाइयों में बढ़ता है। नींद ज़्यादा शहद हो, कंपनी वाले डाबर वाले जंतू वाले आदमी खरीद रहे हैं इसको। शहद ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये जल्दी ख़राब हो जाए, इतना पुराना हो जाएगा उसमें। लेकिन शर्त है अभी निकालना 80% सील होगा शहद, तभी निकाला जाएगा। निकालेंगे तभी नहीं खराब होगा, ये कच्चे शहद को निकाल देंगे तो खटास दे देगा। पक्का 80% शहद मतलब कि आप सील करते हों, मतलब मोम नाल मक्खियां सील किए हों छत्ता, वो 80% सील होना चाहिए। तो जितना भी पुराना हो जाएगा उसका रेट बढ़ता जाएगा, ना खराब होगा वो गाढ़ा होता जाएगा। कई बोलते हैं गर्मियों में से सर्दियों में शहद जम गया, चीनी डाली हुई है, सर्दी में अमून जो शहद जब वो जम ही जाता है, उसको धूप में रखो अपने आप पिघल जाता है। गर्म पानी में डालो पिघल जाएगा। जो चीनी का शहद होगा उसको चाहे धूप में रखो चाहे गर्म पानी में डालो नहीं पिघलेगा, वो चीनी होगी। कई बार बाल्टियाँ वाले आते हैं बाहर से बेचने, वो बाल्टियाँ वाले बोलते हैं प्योर शहद 500 रुपये बताएंगे आप, 100 रुपये में 150 रुपये में ले जाएंगे, वो प्योर चीनी है, उसमें कोई ये नहीं, उसमें मम्मी खाखे डाले हुए हैं आपको दिखाने के लिए, वो प्योर चीनी है। जो बाल्टियाँ वाले आते हैं इनसे कभी शहद ना कोई भी जिम्मेदार खरीदे, क्यों बोलते हैं हमारे को भी बोलते हैं वो बाल्टी वाला दे गया हमारे को 200 रुपये आप 500 रुपये बता रहे हैं, वो प्योर चीनी है।